हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक पॉल। मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है सेल्फ डिफेंस और फिटनेस एकेडमी। आज मैं विवेक पॉल सेल्फ डिफेंस और फिटनेस एकेडमी की तरफ से एक और नया वीडियो लाया हूँ। पिछले दिन जैसे कि हाल हम लोगों ने पंचिंग बैग वर्कआउट फॉर बिगिनर्स के ऊपर वीडियो बनाए थे, आज मैं बनाने वाला हूँ इंटरमीडिएट, थोड़ा बिगिनर्स से ऊपर लेवल में जब हम लोग जाएंगे तो कैसे पंचिंग बैग वर्कआउट किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ओके लेट्स बिगिन। तो हालांकि जैसे पिछले दिन हम लोगों ने देख लिया था कि पैर का पोजीशन, जो बायां पैर है वो सामने रहेगी, राइट लेग थोड़ा पीछे रहेगा, एंड नंबर थ्री फेस गार्ड यहां रहेगी, चाहे तुम बंद भी रख सकते हो खुला भी रह सकते हो। और एक चीज दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूं कि पंचिंग बैग वर्कआउट के पहले थोड़ा बॉडी वार्म अप जरूरी है फॉर मेकिंग योर मसल्स एक्टिव। इसलिए थोड़ा जॉगिंग कर लेना, या फिर थोड़ा स्किपिंग कर लेना, थोड़ा पुशअप्स मार लेना, थोड़ा स्क्वाट्स मार लेना, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेना, ताकि तुम्हारा बॉडी वार्म हो जाए एंड द मसल्स बिकम लूज एंड फ्लेक्सिबल। ओके चलो लेट्स बिगिन। सो आज हम लोग पंच के साथ साथ किक को भी कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग दिखाएंगे। तो पहले वन, पिछले दिन जैसे मैंने दिखाया था, वन द हैंड्स टू बी स्ट्रेट, टू एंड नंबर थ्री, इसके साथ जैसे हमने दो पंच मारे, वन टू और किक, किक को कैसे मारेंगे देखो। फर्स्ट ट्विस्ट योर हिप लाइक दिस, वन, नी स्ट्रेट रहेगा, नी और लेग एक ही जगह पे रहेंगे, और ये पैर पूरा घुमा हुआ रहेगा, ये पूरा कमर को घुमाना है टू जनरेट मैक्सिमम टॉर्क। एंड नंबर थ्री, हिट विद द सीन बोन, इसको सीन बोन कहते हैं गाइस, इस चीज से तुमको हिट करना है, कभी भी इससे हिट नहीं करना है, इससे इससे आवाज आएगी, इससे इफेक्ट होगा। सो मैक्सिमम इफेक्ट के लिए यूज द सीन बोन। ओके सो कमर के साथ हैंड्स, जो तुम्हारा राइट हैंड है, हालांकि तुम लेफ्ट जो हैंड रहेगा वो ऊपर ही रहेगा, जैसे कि राइट लेग से मार रहे हो, इसलिए राइट हैंड नीचे और किक। ओके सो वन वन टू टू। ओके सो ऑलवेज लुक स्ट्रेट, हाथ को ऐसे फॉलो करके रखना है, लेफ्ट लेग फ्रंट रहेगी, बैक लेग 45 डिग्री में रहेगा, और जब तुम मार रहे हो वन टू, जब तुम टू मार रहे हो यूज द शोल्डर, एंड थ्री में पूरा हाथ को नीचे लाके उतार देना है हिप। ओके हिप को यूज करना है, ये यहां जाएगा और ये इसको पूरा घुमाओ, ये ऐसे पोजिशन पे रहेगा, उसके बाद इसको टच करो। ओके सीन बोन मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे मारोगे तो कहां मारनी है गाइस, थाइज में, यहां से यहां तक, अगर तुम नीस में या नीस के थोड़ा ऊपर मारोगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। सो हमेशा टारगेट रखना है, जब भी रस्ते में या कहीं पे भी फाइट हो अपने बचाव के लिए, टारगेट द नी, या फिर नी से थोड़ा ऊपर, अराउंड 6 मिलीमीटर ऊपर, ये जगह पे, ये, एंड यूज द सीन बोन, इससे मारोगे तो ये जलेगी, और सीन बोन से मारोगे इट विल बी इफेक्टिव, इससे माननी। ओके सो लेट्स बिगिन वेरिएशन नंबर वन, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट देन किक, वन टू टू, 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 वन टू टू। हालांकि जैसे मैंने कहा है, कमर को पूरा घुमा देना, कमर के साथ इस पैर के जो टो है वो भी घूमेगा, और फिर इफेक्ट, फिर इफेक्ट, इफेक्ट। सो वन टू टू, था वेरिएशन नंबर वन। अब मैं जो दिखाने वाला हूं, तुम लोगों ने इसको बोलते हैं कराटे के भाषा में गिदान मावाशिगी, लोअर किक। सो लोअर किक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि हम लोग रास्ते पे जींस पहन के उतरते हैं, पंजाबी पहनते हैं, या जो भी पैंट्स पहनते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत ना है, इसलिए हम लोग लोअर किक पे मारेंगे। अगर हम अपर किक को ट्राई करते हैं तो जो लोग इंटरमीडिएट हो, बिगिनर्स हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए टारगेट द लो लोअर वन, ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा फायदेमंद। नाउ नंबर टू वेरिएशन, वन लेफ्ट राइट एंड देन फ्रंट किक, फ्रंट नी अप स्ट्रेट एंड देन फ्रंट किक टू द स्टमक। So one, two, knee up, pet it, and then kick. So one,
टू नी अप, लाइन एक पैर लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी कमर की, एंड यूज योर हिप हिप एंड देन किक द लोअर वन. नंबर थ्री जो तुमको इस किक में देखना है वो है कि तुम अपर एब्डोमेन में मत मारो, इट शुड बी स्ट्राइक टू द लोअर एब्डोमेन इधर. यहां पे ज्यादातर आदमी के पैक्स होंगे इसलिए वन टू. सो वन लेफ्ट देन विद द राइट पंच देन किक एंड देन टू. यूज द मैक्सिमम आउटर सर्कमफेरेंस, जितना बाहर से डायमीटर से लाओगे उतना किक में थ्रस्ट जनरेट होगा, उतना टॉर्क एंड पावर जनरेट होगा. सो यूज इट ओके. सो वन टू नी अप नाउ हिट एंड टू ओके. दिस इज द सेकंड वेरिएशन, लेट्स डू इट. ओच दिस इज द सेकेंड वेरिएशन. तो हालांकि ये थोड़ा इंटरमीडिएट हो जा रहा है, तो तुम लोग इस दोनों किक को कॉम्बिनेशन में रखो. पहले लेफ्ट किक लेफ्ट पंच, फिर राइट पंच लेफ्ट नी किक स्ट्रेट किक स्ट्रेट स्ट्रेट किक टू द स्टोमक स्ट्रेट किक एंड देन लोअर वन एट द नी. जब तुम स्ट्रेट किक मार रहे हो यूज द हिप हिप मूवमेंट, इससे ज्यादा लगेगी हिप मूवमेंट. तो ये था इंटरमीडिएट के लिए, ऐसे छोटे छोटे मैं वीडियोस देते रहूंगा ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो. आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो.